नमस्कार, किसान भाई विजय बलराम स्वाविन फार्मर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ताबोली विद्युत या कल्टा जिसमें टेक्निकल आपका है पेग्राबुटाजोल, आप उनका स्प्रे सोयाबीन पर ना करें। हाइट रोकने के लिए हमारे जो भी किसान भाई करते थे, हमने उनको पहले ही कहा था कि आप इन चीजों का अगर स्प्रे करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ किसान भाई हमारे हमारी बात मानने को तैयार नहीं थी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ट्रायल के तौर पर जो हमने किया, यहाँ पर ताबोली डाला है और इधर ताबोली नहीं डाला है, आप फर्क साफ महसूस कर सकते हो। अब देखिए क्या है, अब इसके हाइट तो इसने रोकी है लेकिन कितनी, थोड़ी सी, लेकिन आप इसके पत्ते का ये देखिए, इसके और इसके पत्ते का फर्क देखिए। इसके जो पत्ते वो मोटे आएंगे, आप ये कंपेयर में यहां से भी कर सकते हो, ये देखिए जमीन और आसमान का फर्क है। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसके जो स्टेम है वो थोड़े पतले है और इसके जो स्टेम है वो थोड़े मोटे है। फिर भी आप ये देखिए, देखिए इसका जो स्टेम है वो मोटा है, इसने क्या किया, इसका जो तना है वो बिल्कुल पतला कर दिया। तो ये जो सोयाबीन है इसका तना पतला होने के कारण इसमें जो लॉजिंग वाली समस्या वो पहले आएगी। ये अर्ली वेरायटी का ट्रायल है, लेट वेरायटी में आपको एक समस्या देखने को मिलेगी। हम इसीलिए ये बात कर रहे थे, अब जो भी कंपनी वाले जो भी आप बोल रहे हैं, अब वो कैसे बोल रहे हैं, ना तो इसका लेवल क्लेम है सोयाबीन के ऊपर ना कुछ है। अब किसानों को ऐसे ही इस दवाई को डलवाया गया है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि किसान भाई जब भी कोई दवाई डाले उसके रिजल्ट जरूर देखे, उसके रिजल्ट से आ रहे या नहीं आ रहे, आप यहां पर क्लियर फर्क महसूस कर सकते हैं। और हमने जो ट्रायल किया, हमने भी हमारा जो नुकसान किया वो इसीलिए कि आपको हम सही बात बता सके। धन्यवाद, जय बलराम।